प्रदेश सरकार द्वारा 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने के संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। इस दौरान आवश्यक सामग्रियों, सब्जियों, ठेले के माध्यम से, दूध डीलर के माध्यम से, राशन की दुकान के लिए ई पास जारी किया जा रहा है ताकि लोग अपने क्षेत्र में ही राशन प्राप्त कर सके। दूसरी ओर आने जाने वालों के लिए गोरखपुर में किसी भी तहसील से शहर में आने के लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम अधिकृत है और जनपद से बाहर जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने के लिए पास एडीएम सिटी जारी करेंगे। पास ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, वो शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक सामग्रियाँ, सब्जियाँ ठेले के माध्यम से, दूध उनके डीलर्स के माध्यम से और राशन की दुकानों को पासेस जारी किए जा रहे हैं ताकि वो अपने एरिया में ही राशन ग्रॉसरी प्राप्त कर सके। प्रशासन की ओर से ई पास जारी किए जा रहे हैं। हाँ, ई पास किए जा रहे हैं। गोरखपुर में किसी भी तहसील से शहर में जाने के, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए एसडीएम साहिबान उसके लिए अधिकृत अधिकारी हैं और जनपद से बाहर जाने के लिए उत्तर प्रदेश की सीमा में मैं अधिकृत एडीएम सिटी अधिकृत हूँ और ऑनलाइन पासेज ही जारी हो रहे हैं।